हम दुनिया के खुश नसीब लोग हैं, हम दुनिया के खुश बख्त लोग हैं जिनको जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल आबाद कायम और दायम रहने वाले खुदा के हजूर में झुकने का, सजदा रेज होने का, सरनगू होने का इस्तकाक हासिल है, एजाज हासिल है, शर्फ हासिल है, हक हासिल है। और ना सिर्फ उसके और हमारे दरमियान, खालिक और मखलूक का ही रिश्ता मौजूद है, बल्कि खुदा के बर्रे के पाकीज़ा और पवित्र खून की करिश्मा साजियां ये हैं कि उसने हमें खुदा के बेटे बेटियां होने का हक अता फरमाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आज की सुबह हम आपके गोश गुजार करेंगे कि जिस खुदा के साथ मेरा और आपका मसीह खुदावंद ने ताल्लुक जोड़ दिया है, मसीह खुदावंद ने रिश्ता जोड़ दिया है, वो अपनी फितरत में, वो अपनी जात में, वो अपने मिजाज में, वो अपनी तबीयत में नहायत पाकीज़ा और पवित्र खुदा है, नहायत मुकद्दस और कद्दूस खुदा है। वो अपने लोगों को पाकीज़ा और पवित्र देखने का मुतमन्नी, आरजूमंद और ख्वाहिशमंद है। अगरचे वो अपनी फितरत में, अपनी तबीयत में, अपने खलूस में, अपनी मोहब्बत में इस कदर सच्चा और खरा खुदा है कि वो बनी आदम को बेजा तौर पर दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में और किसी भी किस्म के अजाब में देखना पसंद नहीं फरमाता। उसको बनी आदम कराहते हुए, तड़पते हुए, रोते हुए, आंसू बहाते हुए, आहें भरते हुए, मातम करते हुए, सर पीटते हुए, आहों फगां करते हुए और चीखों पुकार करते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसने इंसान को अपनी शबी पर बड़े शौक और चाव के साथ तख्लीक कर रखा है और वो हरगज हरगज न चाहेगा कि उसकी तस्वीरें आंसू बहाती हुई दिखाई दें, बनी आदम रोते हुए दिखाई दें, बनी आदम कराहते हुए दिखाई दें, बनी आदम तड़पते हुए दिखाई दें, बनी आदम आहो फगां करते हुए, आहो बका करते हुए, चीखो पुकार करते हुए दिखाई दे, नहीं। फिर जमीन पर जब हम निगाह डालते हैं तो जमीन के चारों कोनों पर हमें मसायब के, हमें आलाम के, हमें मसायल के, हमें दुखों के, हमें उलझनों के, हमें मुश्किलों के, हमें खतरात के, हमें मुश्किलात के, हमें खदशात के, हमें खतरात के, हमें हादसात के और भयानक, हैबतनाक, दहशतनाक और हौलनाक हालात के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जो बनी आदम उठाकर जिंदगी की राह पर चले जाते हैं। यानी जमीन पर बसने वाले रंग रंग की मुसीबतों का शिकार है, बनी आदम रंग रंग के मसायब का शिकार है, बनी आदम रंग रंग के दुखों का शिकार है और
कादर मुतलक यानी अपने तखलीकान की तरफ निगाह उठाकर सवाल करते हैं, क्या तू देख नहीं रहा हम मसायब का शिकार है, हम आलम का शिकार है, हम दुखों का शिकार है, हम मुश्किलों का शिकार है, हम आफात का शिकार है, हम हादसात का शिकार है, हम खतरात का शिकार है, हम मुश्किलात का शिकार है, और हम हौलनाक हैबतनाक भयानक और दहशतनाक हालात का शिकार है। अगर कोई हमारा खालिक है तो वो हमें बचाता क्यों नहीं, हमें बचाए, हमें मसाइल से बचाए, हमें मसायब से बचाए, हमें दुखों से बचाए, हमें आफात से बचाए, हमें मुश्किलात से बचाए, हमें खतरात से बचाए, हमें खदशात से बचाए, और हमें खतरनाक और हैबतनाक और दहशतनाक और हौलनाक और भयानक हालात से बचाए, हमें कैंसर से बचाए, हमें टीबी से बचाए, हमें शुगर से बचाए, हमें हेपेटाइटिस से बचाए, हमें ब्लड प्रेशर से बचाए, हमें बवासीर से बचाए, हमें गांठिया से बचाए, हमें आफात से बचाए, और वो शब रोज तड़प तड़प कर कहते हैं क्या खुदा हमारी आवाज को नहीं सुनता, अगर उसने हमें तखलीक किया है तो फिर इन बड़े बड़े मसाइब, इन बड़े बड़े मसाइल, इन बड़ी बड़ी मुश्किलात और आफात का हमें सामना क्यों करने देता है और हमें बचाता क्यों नहीं, क्या उसके कान तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती, क्या वो अपने मजबूत और कवि हाथ को बढ़ाकर हमें बचाने की कुदरत, हमें बचाने का जोर, हमें बचाने की कुव्वत और ताकत नहीं रखता, हमें बचा, हमें बचा हमारी बीमारियों से, हमारी मुश्किलात से, हमारी आफात से, हमारे खतरात से और जानलेवा हालात से, हमें बचा, हम अपनी उलझनों के बायस, हम अपनी मुश्किलों के बायस, हम अपने अलाम के बायस और हम अपने दीगर खतरनाक हालात के बायस परेशान है। अगर तू हमारा तखलीकार है तो फिर तू अपना हाथ बढ़ाता क्यों नहीं ताकि हम इन मसायब और मसाइल के नीचे से निकल आए और हमारी जान को आसूदगी हो। क्या तेरे कभी और मजबूत हाथ को हमें तखलीक करना आता था, बचाना नहीं आता? और बनी आदम के इस सवाल पर आसमान का दरीचा खुलता है और वो कदूस बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह जो कभी कमजोरी और नातवानी और लाचारी और मानगी का शिकार नहीं होता, जो अपनी तबीयत में, अपने जोर में, अपनी कुव्वत में किसी तगैर तबदल का शिकार नहीं होता और ना थकता है, ना ऊंघता है, ना सोता है, ना कभी मानगी का शिकार होता है, ना कभी थकावट का शिकार होता है, ना बल्कि वो मावराए रंजो मलाल है, बेगानाए पस्ती और जवाल है, बेनजीरो बेमिसाल है, शहनशाह जाहो जलाल है, साहबे कुदरतो कमाल है, माल के माजियो हाल है, खाल के इस्तकबाल है, खुदाए जुलजलाल है। आसमानी दरीचों में से पुकार कर बनी आदम को जवाब देता है, ए नबी कह दीजिए कादरे मुतलक तुम्हें बचाने की कुदरत रखता है, देखो खुदामंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं के सुन ना सके, सुन न सके। देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, फिर तो सुनता क्यों नहीं और बचाता क्यों नहीं? जवाब है बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया ऐसा कि वो नहीं सुनता। ऐ खुदाए कदूस बर हक, ऐ बाइबल के जिंदा हकीकी और हतमी और ला तब्दील खुदा और अब्दुल अबाद तक कायम रहने वाले खुदा, क्या तू हमारे आंसुओं से, हमारी आंखों से, हमारे दुखों से, हमारे जख्मों से, हमारी बीमारियों से और दीगर खतरनाक हालात से जो हमें दरपेश है बेखबर है?
और अगर तू बाखबर है तो फिर बचाता क्यों नहीं, हमारी दुआओं को सुनता क्यों नहीं, हमारी आवाज को सुनता क्यों नहीं और जवाब क्यों नहीं देता? जवाब है, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया। ए बनी आदम देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया ऐसा कि वो नहीं सुनता, नहीं सुनता। कई बार हम उलझ जाते रहे हैं, कई बार हम इस बात के लिए उलझन का शिकार हो गए, कई बार हमारा जहन तजबजब और कशमकश का शिकार हुआ कि अगर खुदा बनी आदम से उल्फत रखता है, अगर कादरे मुतलक बनी आदम से मोहब्बत रखता है, अगर कादरे मुतलक बनी आदम से अकीदत रखता है, तो फिर इनके मसाइल, इनके मसायब, इनके अलाम, इनके जख्मों, इनकी चोटों, इनके दर्द का मदावा क्यों नहीं फरमाता? तो जवाब है, ऐ बनी आदम देखो, खुदावंद का हाथ छोटा, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया ऐसा कि वो नहीं सुनता। ओए होए होए होए, जनाब यशाया नबी का मुकद्दस सहीफा उसका 59 बाब और उसकी पहली दो आयत सफा नंबर 707 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, ऐ बनी आदम, ऐ खाक के खिलौनो, ऐ मट्टी के पुतलो, ऐ जमीन पर रेंगने वालों, ऐ खाक में लुथड़े हुए लोगों, मुझे तुमसे मोहब्बत है लेकिन मेरी पाकीजा आंखें गुनाह पर निगाह नहीं कर सकती, मेरी पाकीजा फितरत गुनाह के साथ समझौता नहीं कर सकती, मेरा दिल जो पाकीजगी और कदूसियत से लबरेज है गुनाहों को कबूल नहीं करता, मैं अपना हाथ आज भी बढ़ा सकता हूँ, मैं आज भी सुनता हूं तुम किस किस मुसीबत का शिकार हो, मैं तुम्हारी आहों को, मैं तुम्हारे आंसुओं को, मैं तुम्हारे मातम को, मैं तुम्हारे दुखों को, मैं तुम्हारे दर्द को, मैं तुम्हारी उलझनों को, मैं तुम्हारी मुश्किलों को जानता हूं, और मेरा हाथ आज भी इतना मजबूत है कि मैं बढ़ाऊं तो तमाम दुखों के, उलझनों के, मुश्किलों के अंबार और पहाड़ खाक के जर्रे की मानंद हवा हो जाए, लेकिन मेरी फितरत की मजबूरी है कि मेरी आंखें ऐसी पाकीजा और पवित्र मुकद्दस और कद्दूस है कि मैं गुनाह पर निगाह नहीं कर सकता, और तुम गुनाह के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हो। चुनाचे तुम्हारी बदकरदारियों ने, तुम्हारी जनाकारियों ने, तुम्हारी हरामकारियों ने, तुम्हारी मकारियों और अयारियों ने, तुम्हारी चोरी चकारियों ने, तुम्हारी फरेबकारियों ने, तुम्हारी बुद्ध परस्तियों ने, तुम्हारी शब्द परस्तियों ने, तुम्हारी जर परस्तियों ने, तुम्हारी पीर परस्तियों ने, तुम्हारी कबर परस्तियों ने, तुम्हारी खुद परस्तियों ने, तुम्हारी आदम परस्तियों ने, तुम्हारी शोबदाबाजियों ने, तुम्हारी मुकदमाबाजियों ने, और तुम्हारी धोखेबाजियों ने, तुम्हारी लूट घसूट ने, तुम्हारी कत्लो गारत ने, तुम्हारे लड़ाई झगड़ों ने, और तुम्हारे अंधे लालच ने, तुम्हारे फितना फसाद ने, तुम्हारी खून रेसियों ने, और तुम्हारे दीगर गंदे गनोने, गटिया गैर म्यारी गलीज और मकरू अफालो अमाल ने मुझे तुमसे अलग कर दिया है, क्योंकि गुनाह की तुम्हारी तरफ से तामीर की जाने वाली दीवार ने मुझे तुमसे ऐसा रूपोश किया कि मैं तुम्हारी आवाज को सुनना और तुम्हें बचाना पसंद नहीं करता, नहीं करता, वगरना मैंने ही एक दो कतरे पे कनायत कर ली, वो तो दरिया मुझे देने पे उतर आया था, वरना
सूरत हाल ये है कि मैंने ही एक दो कतरे पे कनायत कर ली, वो तो दरिया मुझे देने पे उतर आया था। बनी आदम के सारे दुख उसके सामने खुली किताब की मानद हैं, बनी आदम के जख्म उसके सामने खुली किताब की मानद हैं, बनी आदम के दर्द उसके सामने खुली किताब की मानद हैं, लेकिन वो इसलिए निगाह करना पसंद नहीं करता कि हमारे गुनाहों ने हमारे और हमारे खुदा के दरमियान दीवार कर दी है, दीवार कर दी है। इसलिए जमीन पर मुश्किलात के अंबार लगे हुए हैं, चारों तरफ आदमियत की धजियां उड़ रही हैं, चारों तरफ इंसानियत के परखचे उड़ रहे हैं, चारों तरफ बशरियत का मजाक उड़ रहा है, और अबलीसियत शैतानियत और उसकी हैवानियत इंसानियत को, आदमियत को और बशरियत को ठट्टू में उड़ा रही है। कौन? शैतान की शैतानियत, अबलीस की अबलीसियत और उस हैवान की हैवानियत, कादर मुतलक के पैदा कर दो इंसानों का मजाक उड़ा रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, बनी आदम ने अबलीस को फॉलो करना पसंद किया और कादर मतलब के हजूर में गुनाह पर गुनाह किया, जिसके बायस एक दीवार खड़ी हो गई और इनकी आवाज आलम बाला पर बैठे हुए तखलीकार के काम तक नहीं पहुंचती, और वो अपना कद्दूस और जोरावर हाथ बढ़ाकर इनको नहीं बचाता। बसूरत दीगर, क्या उसका हाथ छोटा हो गया कि बचा ना सके? क्या उसका कान भारी हो गया कि सुन ना सके? क्या उसके पास बचाने की कुदरत नहीं रही, बचाने की ताकत नहीं रही, बचाने की कुवत नहीं रही? नहीं, वो आज भी अजीम शान खुदा है, वो आज भी बचाने पर कादर है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, सिर्फ गुनाह से समझौता नहीं कर सकता। और आपको याद होगा उस कद्दूसों बरहा के बुजुर्ग बरतर बादशाह ने अपने दोस्त आदम को अपने पाकीजा बाग से, अपनी पाकीजा हजूरी से सिर्फ एक गुनाह ही के बायस निकाल दिया था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ने बताया उसकी आंखें ऐसी पाक हैं कि वो गुनाह पर निगाह, गुनाह पर नजर नहीं कर सकता, गुनाह को देख नहीं सकता। इसलिए बनी आदम हजार हाय कसाम के दुखों के नीचे है, मसाइल के नीचे है, मसाइब के नीचे है, आंसुओं के नीचे है, आहों के नीचे है, मुश्किलात के नीचे है, आफात के नीचे है, खतरात के नीचे है, खदशात के नीचे है, खतरनाक हालात के नीचे है, और वो न सुनता है न हाथ बढ़ाकर बचाता है, क्योंकि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया ऐसा कि वो नहीं सुनता। मैंने अर्ज किया ये आयत करीमा है यशायाह नबी की किताब के 59वें बाब की पहली दो आयत मुकद्दस कलाम में से 707 सफे पर से, सफा नंबर है 707, सफा नंबर है 707। और हम अगर एक नजर अगली आयत पर डालें तो हमें मालूम होगा कि कादर मुतलक ने उन तमाम गंदे गनोने घटिया गैर मियारी अफालो अमाल का हल्का सा जायजा दिया है ताकि बनी आदम देख सके कि ये अफालो अमाल उनके हाथों सरजद हुए जिनके बायस कादर मुतलक उन पर निगाह करना, उनकी आवाज सुनना और उनके दुखों का तदारक, तलाफी और अजाला और मदावा और इलाज फरमाना पसंद नहीं करता। क्या लिखा है? और तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकरदारी से आलूदा हैं, आलूदा हैं। ये मैं यशायाह नबी की किताब के 59वें बाब की तीसरी और चौथी आयत मुबारक का तलावत करने जा रहा हूं। और तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकरदारी से आलूदा हैं, बदकरदारी से आलूदा हैं। ओए होए, तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है, तुम्हारे लब झूठ बोलते और
तुम्हारी जुबान शरारत की बातें भकती है, कोई इंसाफ की बात पेश नहीं करता, कोई इंसाफ की बात पेश नहीं करता, और सच्चाई से हुज्जत और कोई सच्चाई से हुज्जत नहीं करता। वो बतालत पर तवक्कल करते हैं, वो बतालत पर तवक्कल करते हैं और झूठ बोलते हैं। वो बतालत पर तवक्कल करते हैं और झूठ बोलते हैं। वो ज़ियानकारी से बारदार होकर बदकरदारी को जन्म देते हैं। कहिए हालेलुया। ओए होए 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 होए। अब बताओ क्या तुम्हारे इन तमाम मकरूह हालात के बाद भी कादरे मुतलक तुम्हारी आवाज को सुने और अपना मजबूत और कभी हाथ बढ़ाकर तुम्हारे दुखों से तुम्हें छुड़ाए? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ गुनाह से और तुम्हारी उंगलियां बदकरदारी से आलूदा हैं। तुम में से एक भी ऐसा नहीं जो अपनी जुबान से इंसाफ की बात पेश करे और सच्चाई का साथ दे। तुम्हारी अदालतें, तुम्हारी पंचायतें, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे काम, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा सोना जागना, तुम्हारे तमाम अफालो अमाल से सिर्फ बदी बदकारी हरामकारी टपकती छलकती है। अब कादरे मुतलक तुम पर कैसे निगाह करे और कैसे अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हारे मसाइब के पहाड़ों के नीचे से तुम्हें निकाले? नहीं नहीं भाई, देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया ऐसा कि वो नहीं सुनता। ऐ बनी आदम, कादरे मुतलक के हजूर में तुम्हारे गुनाहों ने इतनी तारीकी फैला दी है कि ना तुम्हारे चेहरों को वो सफाई से देखना पसंद करता और ना तुम्हारे होंठों से निकली हुई आवाज को सुनना पसंद करता और ना तुम्हें तुम्हारे दुखों और मसाइब और मसाइल से छुड़ाना और बचाना पसंद करता है। मैंने अर्ज किया यशायाह नबी की किताब और उसका 59 बाब, उसकी पहली दो आयतें मुबारका 707 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की इजाजत पाई। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हम आपको बता दें बड़ी सफाई के साथ कि बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल अबाद कायम और दायम रहने वाला खुदा किसी भी सूरत में गुनाह से समझौता, किसी भी सूरत में गुनाह से कंप्रोमाइज, किसी भी सूरत में बनी आदम की तरफ से गुनाह को कबूल और मंजूर करने को तैयार और आमादा नहीं है। अब गुनाह क्या है? हर वो काम जिसके करने का कादरे मुतलक मुझे और आपको हुक्म दे और हम ना करें गुनाह है। हर वो काम जिसके करने से मुझे और आपको कादरे मुतलक रोके और हम करें गुनाह है। और इन दोनों सूरतों में हम उसकी निगाह में मकरूह, गुनोने, घटिया और गैर मियारी लोग बन जाते हैं, जिसके बायस वो ना अपने कान तक हमारी आवाज को पहुंचने देता है और ना अपना मजबूत और कवि और कुदरत वाला हाथ बढ़ाकर हमें हमारे मसाइब और मसाइल से छुड़ाना और बचाना पसंद फरमाता है। नहीं भाई, कादरे मुतलक यानी बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल अबाद कायम और दायम रहने वाला खुदा किसी भी सूरत में गुनाह को पसंद, गुनाह को पसंद, गुनाह को पसंद नहीं करता। हबकूक नबी की किताब की पहले बाब की 3 आयत कहती है, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख देख नहीं सकता। हाँ, बाइबल का हकीकी खुदा, हतमी खुदा, जिंदा खुदा और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा बनी आदम की तरफ से गुनाह की तवक्को नहीं रखता ना, और हुक्म अदूली और ना फरमानी और सरकशी और बगावत किसी भी सूरत में उसके सामने काबिले कबूल, काबिले कबूल, काबिले कबूल नहीं है। यही सबब है, यही वजह है कि बनी आदम अपने दुखों से, अपने मसाइल से, अपने मसाइब से चूर चूर है और कराते हैं और रोते हैं, आहो पका करते हैं, चीखो पुकार करते हैं, छाती पीटते हैं, मातम करते हैं,
लेकिन वो आलम बाला पर से अपना हाथ बढ़ाकर बचाना पसंद नहीं करता ना। रोज हो रहा है, रोज देखने में आता है, शहर सारा देखता ही रह गया, खून पानी की तरह से बह गया। रोज लोग मसाइब और मसाइल के नीचे आकर लताड़े जाते हैं, कुचले जाते हैं, रौंदे जाते हैं, मारे जाते हैं, लेकिन वो अपने तख्त अजीम पर विराजमान होकर देखता चला जा रहा है। बनी आदम ने अपने गुनाहों ने अफ़ालो अमाल अपने मकरूहात के बायस उसको रूपोश कर दिया, ऐसा कि वो बनी आदम की आवाज को सुनना पसंद नहीं करता, नहीं करता। लेकिन इसका हरगज ये मतलब नहीं कि वो बनी आदम को उनके हाल पर छोड़ देना पसंद करता है, नहीं, बल्कि कादर मतलक ने बनी आदम को बारहा इस बात की पेशकश की है कि वो अपने गुनाहों से बाज आए और अपनी बदकरदारियों को उसके हजूर से दूर करें और उसकी निगाह में जो काम अच्छा है, जो काम भलाई का है, वो सर अंजाम दें, ताकि कादर मतलक उनको उनके दुखों से नजात और खलासी और रिहाई बख्शे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और कादर मतलब फरमाता है, ए बनी आदम, खुदा मत फरमाते हैं अब हम बहुत करें तुम्हारे गुनाह करम जी हो तो अभी बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे। अब खुदामंद फरमाते हैं, ओ हम बहम हुजत करें अगर जे तुम्हारे गुनाह करम जी हो वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे और हर चंद वो अरगवानी हो तो भी ऊन की मानंद उजले होंगे। और अगर तुम राजी और फर्मा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे। क्यों भला? क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बहम हुज्जत करें कि अगरचे तुम्हारे गुनाह करमजी हों वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे और हर चंद वो अरगवानी हों तो भी ऊन की मानंद उजले होंगे। और अगर तुम राजी और फर्मा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैंने यशायाह नबी की पाकीदा सहीफा के पहले बाब की 18वीं तथा 20वीं आयतें मुबारका सफा नंबर 661 पर से ये आयतें गरिमा तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए बनी आदम, ए रोते हुए लोगों, ए कराते हुए लोगों, ए तड़पते हुए लोगों, ए मातम करते हुए लोगों, खुदावंद कादर मुतलक यानी तुम्हारा तखलीकार तुम्हें पेशकश करता है कि अगर तुम अपने गुनाहों से छुटकारा पाना चाहते हो, अपनी बदकरदारियों से रिहाई पाना चाहते हो तो कादर मुतलक से रजू करो। अगर तुम अपने गुनाहों से माफी मांग के आइंदा को हर गनोने फेलो अमल से बाज रहो तो कादर मुतलक तुम्हारे गुनाहों को धोकर साफ कर देगा, कैसे बर्फ की मानंद, और ऐसे उजले कर देगा जैसे ऊन होती है, ऊन होती है। वो कितने भी गनोने गटिया गैर म्यारी और गलीज क्यों ना हो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे और ऊन की मानंद उजले हो जाएंगे। लेकिन होगे इस सूरत में कि तुम अपने खुदा के हजूर में लर्जाओ तरसा होकर उनको
मानो और फिर तर्क करो, और अगर तुम राजी और फरमा बरदार होने का वादा करो तो कादर मुतलक तुम्हें जमीन की अच्छी अच्छी नेमतों से आसूदा फरमाएगा। लेकिन अगर तुम सरकशी का और बगावत का और गुनाह का और बदी का और बदकारी का हरामकारी का सनाकारी का फरेबकारी का चोरी चकारी का बुद्ध परस्ती का शब्द परस्ती का कबर परस्ती का खुद परस्ती का आदम परस्ती का सर परस्ती का बतानबाजी का मुकदमेबाजी का और दीगर गठिया गैर म्यारी गंदे और गलीज कामों का इर्तकाब करो तो फिर मौत तुम्हें चट कर जाएगी, हलाकत तुम्हें हड़प कर जाएगी, तबाही तुम्हें निस्त नाबूद कर देगी। कादरे मुतलक का गजब तुम्हें मिलिया मेट कर देगा, कादरे मुतलक का कहर तुम्हें मसक कर देगा, खत्म कर देगा, और तलवार का लुकमा हो जाओगे, यानी तुम मौत के मुंह में चले जाओगे अगर तुमने कादरे मुतलक के हजूर में सरकशी बगावत और गुनाह का इर्तकाब करने से इनकार न किया। अगर तुमने कादरे मुतलक की हजूर से अपनी मकरूहात को दूर न किया। ना भाई, खुदा पेशकश करता है, अब खुदावंद फरमाता है आओ हम बहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हो वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो हर गवानी हो तो भी ऊन की मानंद उजले होंगे। और अगर तुम राजी और फरमा बरदार हो तो जमीन की अच्छी अच्छी पल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। मैंने अर्ज किया 661 सफा पर से यशायाह नबी की किताब के पहले बाब की 18वीं तथा 20वीं आयत मुबारक मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब ये हकीकत तो हतमी है कि आपका और मेरा तखलीकार मेरे गुनाह के समेत मुझे और आपको कबूल करने को तैयार नहीं है। अब ये बात तो हतमी है कि मेरा और आपका खालिक गुनाह के साथ और बदकरदारी के साथ और गनोने गटिया गैर मेरी गलीज कामों के साथ मुझे कबूल करने को तैयार, आपको कबूल करने को तैयार नहीं है, नहीं है, और ना ही हमें गुनाह की हालत में पिसते हुए देखने का मतमन्नी और ख्वाहिशमंद और आरजूमंद है, नहीं, उसकी पेशकश है। आओ रजामंदी के साथ मेरे कदमों में सजदरेज होकर अपने गुनाहों की माफी तलब करो तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करके तुम्हें बहाल फरमा दूंगा और तुम्हें अच्छी अच्छी नेमतों से अच्छी अच्छी बरकत से और अपनी नेमतों की अफरात और बहतात से सिर आसूदा फरमाऊंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, क्योंकि कादरे मुतलक के कलाम में यह कानून बयान हो चुका है कि जो अपने गुनाहों को छिपाएगा कामयाब कामयाब ना होगा। कभी कभार हम ये बात सलीम करने को तैयार ही नहीं होते कि मेरी बीमारी, मेरी लाचारी, मेरी नदारी, मेरी कमजोरी, मेरी मुश्किलात, मेरी आफात, मेरे हालात मेरे अपने गुनाह के बायस से पैदा किए हुए हैं, मेरी अपनी गनोनी सरगर्मियों के बायस पैदा हुए, मेरी अपनी गनोनी कारगुजारियों के बायस पैदा हुए। नहीं, हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारे गनोने हालात हमारे गनोने कामों के कूक से पैदा हुए हैं, हमारे गनोने का फालो अमाल के बतन से पैदा हुए हैं, हम नहीं मानते ना। और ये बाइबल मुकद्दस के खुदा का दस्तूर असूल और कानून है, बनी आदम में से जो कोई अपने गुनाहों को कबूल करके उनकी माफी हासिल करे उसको माफी होती है। तरीका हम बाद में बताते हैं कि किस तरह से बनी आदम अपने गुनाहों की माफी तलब कर सकते हैं। अलबत्ता सबसे पहला काम है जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। आप निकालिए इमसाल की किताब के 28वें बाब की 13वीं आयत सफा नंबर 643। फिर सुनिए, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब
ना होगा। ए बनी आदम, अगर तुम्हारा ख्याल है तुमने गुनाह नहीं किया, फिर भी आफत आई, फिर भी मुश्किलात आई, फिर भी खतरात आए, फिर भी खदशात आए, फिर भी बुरे हालात देखने को मिले, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। नहीं, अगर तुम अपने गुनाह को, अपनी बदी को कबूल करके उनकी माफी के तलब नहीं होते, तो किस तरह से तुम अपने गुनाह और बदी से छुटकारा पाओगे और तुम अपने गुनाहों हालात से छुटकारा पाओगे? नहीं, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनको इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। मैंने अर्ज किया इमसाल की किताब के 28वें बाब की 13वीं आयत सफा नंबर 643 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कबूल कीजिए, हमने गुनाह किया, हमने बदी की, हमने बुरे अफालो अमाल का मुजाहरा किया, हमने तेरे हजूर में बगावत और सरकशी का मुजाहरा किया, हम तेरे हजूर से बागी हुए, बरगश्ता हुए, और हमने तेरे फरमुदाद पर, तेरे इरशादात पर, तेरी तालीमात पर और तेरे अहकामात पर अमल पैरा होना, कारबंद होना पसंद किया, जिसके बायस इबलीस ने हमारी जिंदगी में वो जख्म लगाए, वो चोटें लगाई, वो हालात पैदा किए, वो वाकयात पैदा किए, जिनके बायस हम पुश्तियों में जा गिरे। हम इकरार करते हैं हमने तेरे हजूर में सरकशी और बगावत की फसल बोई है, अब हमें हलाकत और तबाही न कटने दे, हमें बचा और बहाल फरमा। तो कादर मुतलक का दस्तूर है, कादर मुतलक का कानून है कि कादर मुतलक बनी आदम को बहाल करना पसंद फरमाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चुनाचे नबी कहते हैं हे बनी आदम थरथराओ और गुनाह न करो, और अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो, डरो और कांपो और लर्जो और थरथराओ, और अपने अपने गुनाह से बाज आकर कादर मुतलक के हुजूर में लर्जाओ, तरसा हो जाओ, तो माफी मिल जाएगी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर से सुनिए, थरथराओ और गुनाह न करो। ऐ हमारे खालिक, फिर हम क्या करें? कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक से नबी कहते हैं थर थराओ और गुनाह न करो, और अपने अपने बिस्तर पर अपने दिल में सोचो और खामोश रहो, और खामोश रहो। जबूर नंबर 4 की 4वीं आयत सफा नंबर 530 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ज़बूर नंबर 4 की 4वीं आयत मुबारका मुकद्दस कलाम में से सफ़ा नंबर 530 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ हमसे नाराज होने वाले, अपना चेहरा छिपाने वाले, अपना नूर छिपाने वाले, अपना जलाल छिपाने वाले, अपना हाथ पीछे खींचने वाले, हम क्या करें कि तू राजी हो जाए? हम क्या करें कि तू खुश हो जाए और हमें बचाने को आमादा और तैयार हो जाए, हमें छुड़ाने को आमादा और तैयार हो जाए, और हमारे दुखों का अजाना करे, हमारे दुखों की तलाफी करे, हमारे दुखों का तदारक करे, हमारे दुखों का मदावा करे, हमारे दुखों का इलाज करे? हम क्या करें? और जवाब है थर थराओ और गुनाह न करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। ज़बूर नंबर 4 की 4वीं आयत मुकद्दस कलाम में से 530 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। क्या करो? गुनाह ना करो, बल्कि उनकी माफी तलब करके आइंदा को गुनाहों के राहों से दूर रहो, क्योंकि किसी भी सूरत में गुनाह आलूदा अशकास उसके हजूर में, गुनाह आलूदा बनी आदम उसके हजूर में, गुनाह आलूदा खाक के खिलौने उसके हजूर में, गुनाह आलूदा मट्टी के पुतले उसके हजूर में काबिल कबूल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है।
किसी भी सूरत में। खुदा मुझे और आपको गुनाह समेत कबूल करने को तैयार और आमादा नहीं है। क्या करें? गुनाह के कबूल करने और उनकी माफी तलब करने के लिए उसने कोई दफ्तर बनाया है, कोई शख्स मुकर्रर किया है? मैं किससे रजू करूं? मैं किससे राबता करूं? मैं किसके साथ डिस्कशन करूं? मैं किसके पास जाऊं और किसको अपनी दरखास्त पेश करूं जिस पर मेरा यह हल्फिया बयान मुंदर्ज हो कि मुझे अपने गुनाहों की शर्मिंदगी है और मुझे अपने गुनाहों के बायस नदामत है, मैं इनकी माफी चाहता हूं और आइंदा को लिख के देता हूं मैं गुनाहों के राहों से दूर रहूंगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, कादरे मुतलक ने अपने रूह को इंसानी अज़ा, इंसानी चेहरा मोरा, आदमियत का लबादा और इंसानियत की पोशाक और बशरियत की पोशाक देकर जमीन पर भेजना पसंद किया और कहा जो कोई उसके साथ राबता करेगा और अपने गुनाहों की माफी का तालब होगा उसकी गुनाह आलूदा फितरत को तब्दील कर दिया जाएगा। जो कोई उसके साथ रबते में आ जाएगा और उसके वसीला से कादरे मुतलक से अपने गुनाहों की माफी तलब करेगा उसको कादरे मुतलक के हजूर से माफी दे दी जाएगी और आइंदा को उसको गुनाह पर बदी पर गालिब आने के लिए पाक रूह से नवाजा जाएगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ बनी आदम, मत रो, मत छाती पीटो, मत गुलो और ना नदामत और शर्मिंदगी का सामना करो। जमीन पर एक शख्स के उतार लेने का मेन मकसद, मेन पर्पज ही यही था कि वो बनी आदम को कादरे मतलब आसमानी बाप से उनके गुनाहों की माफी लेके दे। कहिए हालेलुया। जब खुदा के रूह के इंसानियत का लबादा ओढ़कर आदमियत की पोशाक लेकर बशरियत का लिबास लेकर जमीन पर उतरने का मौसम आया तो कादरे मुतलक ने यशाया नबी ही की मार्फत कहा था कि गुनाहों की माफी का पैगंबर कंवारी के बतन से पैदा होगा और वो कंवारी एक मर्द से मनसूब की गई यानी उसकी मंगनी एक रास्तबाज शख्स यूसुफ से हुई और वो रास्तबाज शख्स उसको कबल अज ब्याह हामला देखने को राजी नहीं था, उसे कबूल करने को राजी नहीं था, चुनाचे उसने उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। और क्या हुआ? वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आने से ना डर। फिर सुनिए, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आने से ना डर क्योंकि जो उसके पेट में है वह रूह कुदस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ए मट्टी के पुतलो, ए खाक के खिलौनो, ए खाक पर रेंगने वालो, ए खाक में लुथड़े हुए लोगो, ए गुनाहों के मारे हुए लोगो, ए पतियों के मारे हुए लोगो, ए जख्मों के मारे हुए लोगो, ए हालात के मारे हुए लोगो। आगे बढ़ो, आसमान से कादरे मुतलक ने बनी आदम के गुनाहों के अजाले तदारक तलाफी और मदावे के लिए अपने रूह को इंसानी जिस्म देकर दुनिया में भेजने का फैसला फरमा लिया। क्या ले लिया? ताकि आसमानी दफ्तर का सबसे बड़ा नुमाइंदा, आसमानी हुकूमत का सबसे बड़ा नुमाइंदा बराए रास्त बनी आदम के पास जाए और कहे किस किसने गुनाहों की माफी के सर्टिफिकेट हासिल करने आ गया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर बताऊं, जब उसके आने के मौसम आए तो उसकी वालदा को उसका मंगेतर कबूल करने को रजा मंद नहीं था। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा ऐ यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आने से ना डर क्योंकि जो उसके पेट में है वह रूह कुदस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से
नजात देगा। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील उसका पहला बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत मुबारका मैंने आपके सामने अंजील मुकद्दस में से सफा नंबर 5 पर से तलावत करने की इजाजत पाई। यानी फिक्रमंदी की बात नहीं है, तुम्हारे गुनाह किरमिजी हो वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे, हर चंद वो अरगवानी हो तो भी उनकी मानंद उजले हो जाएंगे। लेकिन कादरे मतलब कब और कहां ये एहतमाम फरमाने जा रहा है? मालूम हुआ कुंवारी हमला होगी, उसके बेटा होगा और वो आ ही इसीलिए रहा है कि बनी आदम को उनके गुनाहों से नजात छुटकारा खलासी और रिहाई बख्शे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब बात समझ में आई, सारे जहानों का खालिक बनी आदम को मट्टी के पुतलों को खाक के खिलौनों को कैसे ऑफर करवा रहे हैं, कैसे पेशकश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे गंदे गनोने कामों को बर्फ की मानंद सफेद और तुम्हारे गंदे गनोने कामों को ऊन से भी उजला बना दूंगा। तब मालूम हुआ जब उसके रू ने इंसानी लबादा ओढ़ा, इंसानी लिबास पहना, इंसानी अजा की पोशाक पहनी और जमीन पर कुंवारी के बतन के वसीला से उतरना पसंद किया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और फिर उसने अपने बाप के सौंपे हुए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे मुकामात पर बनी आदम के गुनाह को माफ करने का ऐलान फरमाया। अंजील मुकद्दस में कई वाकयात मुंदर्ज हैं। एक वाकया यूं है कि उस जमाने के असहाबे इक्तदारो इख्तियार और मजहबी और रूहानी अशखास एक खातून को मसीह खुदामंद के पास पकड़ कर लाए और कहने लगे ये खातून जनाकारी में पकड़ी गई है, फेले बद के दौरान पकड़ी गई है। कि ये खातून फेले बद के ऐन वक्त पर पकड़ी गई है, आप इसकी सजा के मुतालिक क्या कहेंगे? अब आप अपने बाप के हाथों से कौन सा प्रोजेक्ट लेकर जमीन पर उतरे हुए हैं? बनी आदम के गुनाहों की माफी के सर्टिफिकेट बांटने का प्रोजेक्ट आपने अपने दस्ते मुबारक की मुबारक उंगली से जमीन पर लिखना शुरू किया। तुम अपनी शरीयत के मुताबिक इसको पत्थरों से संसार कर डालो, लेकिन याद रहे इसको वो पत्थर मारे जिसने खुद कभी गुनाहों की लज्जत से आशनाई हासिल नहीं की, जिसने खुद कभी गुनाह के मजे से आशनाई हासिल नहीं की। जनाब मसीह जमीन पर ऐसे झुक के ये अल्फाज रकम कर रहे हैं, जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो इसको पत्थरों से संसार करने का मजाज है, दूसरा नहीं। जब वो बारी बारी अपने घरों को चले गए ना, तो यीशु ने सीधे होकर उससे क्या कहा? यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह, जा फिर गुनाह, जा फिर गुनाह, जाओ फिर गुनाह ना करना। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जाओ फिर गुनाह, जाओ फिर गुनाह, जाओ फिर गुनाह, जाओ फिर गुनाह ना करना। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, है औरत ये लोग कहा है, क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ए खुदावंद किसी ने नहीं। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह, जा फिर गुनाह ना करना। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी बख्श अंजील के 8वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत मुबारका सफा नंबर 90 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा ए खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने उससे कहा मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुना, जा फिर गुना। ये वो है जो आसमानी खुदा का जमीन पर वो नुमाइंदा है जो बनी आदम को गुनाहों के बोझ के नीचे से निकालने के लिए जमीन पर आ उतरा है। क्लैपिंग करो इस रात के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड जीसस, द सन ऑफ गॉड एंड द सेवियर ऑफ ह्यूमन रेस मैनकाइंड। मुबारक हो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह, जो जहान के गुनाह, जो बद करदारों की बद करदारियां, जो जनाकारों की जनाकारियां, जो फरेबकारों की फरेबकारियां, जो चोरों की चोरियां, जो ठगों की ठगियां, जो खून रेजों की खून रेजियां, जो कत्लो गारत करने वालों की गारत गरियां उठा कर ले जाता है और उन्हें कहता है मैं भी तुम पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह, जा फिर गुनाह, जा फिर गुनाह ना करना। लेकिन इसमें कादर मुतलक के हजूर में बनी आदम की रजामंदी का होना अज हद जरूरी है ताकि वो अपने दिल में पैदा होने वाली नदामत और शर्मिंदगी के एहसास को उसके सामने उंडेलते हुए अर्ज करें ए कादर मुतलक अपने बर्रे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। हम वादा करते हैं आइंदा को हम तेरे हजूर में गुनाह नहीं बोएंगे, हमें हलाकत की फसल काटने पर मजबूर न कर। हमें उसके हुजूर में अहद करना है, तब वो हमें अपने नूर में अपने साथ ले लेगा ताकि हमारे अंदर भी उसकी रास्तबाजी का नूर आ जाए और हमारी उस कदूस बरहक के साथ शराकत और रफाकत बहाल हो जाए और हमारी आवाज उसके पाकीजा कान तक पहुंचे और उसका पाकीजा हाथ बढ़े और हमें वो दुखों से, मुसीबतों से, उलझनों से, मुश्किलों से, आफात से और जानलेवा हालात से निकालने को आमादा और तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर हम इस बात का इजहार करें एक आदरे मुतलक बाप हमें शर्मिंदगी है, हमें नदामत है, हमें पछतावा है कि हमने तेरे हजूर में गुनाह पर गुनाह किया और हमारे गुनाहों ने तुझे हमसे रू पोश किया ऐसा कि तुझ तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती। हम तेरी मिन्नत करते हैं अपने बर्रे के पाकीज़ा खून के साथ हमारे और अपने दरमियान खड़ी हुई गुनाहों की दीवार को बहा ले जा। तो क्या होगा? इसमें आपकी रजामंदी आलम बाला पर पहुंचेगी और उस रजामंदी को गुनाह से तौबा का नाम दिया जाता है और तौबा करने वालों के लिए हुक्म है अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है, पाक करता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर कोई चाहे कि उसकी आवाज आलम बाला पर बैठे हुए कादरे मुतलक के कान तक पहुंचे और वो अपना हाथ बढ़ाकर उसको बचाए तो सुन लीजिए लाजम है कि वो अपने गुनाहों का इकरार करे और कादरे मुतलक से उनकी माफी मांगे यीशु मसीह के वसीले से। और यीशु मसीह के खून में ये कुदरत है कि वो बनी आदम के तमाम गुनाह को पाकीदा कर देता है, वो चाहे किरमजी हो उनको बर्फ की मानंद बना देता है, वो चाहे अर्गवानी हो उनको ऊन से भी उजले बना देता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर हम नूर में चले जिस तरह की वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से
पा करता है। यूहन्ना रसूल के लिखे हुए आम खतूत में से पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी सातवीं आयत 235 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया। ऐ जनूब के लोगों, ऐ शमाल के लोगों, ऐ मगरब के लोगों, ऐ मशरक के लोगों, ऐ अमीरों, ऐ गरीबों, ऐ कालों, ऐ गोरों, ऐ बड़ों, ऐ छोटों, ऐ अनपढ़ लोगों, ऐ पढ़ा लिखे लोगों, आप किसी भी तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हो, गुनाहों की माफी के इंतजामों एहतमाम का एक ही रास्ता है और वो है कादरे मुतलक के बर्रे का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। मैंने आपने कादरे मुतलक से रब्ता किया उसके बर्रे के वसीला से जो माफी का पैगंबर होकर जमीन पर उतरा ताकि मेरे और आपके गुनाहों का अजाला तलाफी और तदारक हो जाए उसके पाकीज़ा खून के साथ। और उसने हमें पाक करार दे दिया और कहा आज के बाद तुम कादरे मुतलक को बाप कहकर पुकारने का हक रखते हो। और बदकिस्मती से हम फिर गुनाह की तरफ लौट गए, हम फिर गुनाह की तरफ लौट गए और गुनाह के छोड़े हुए रास्तों ने फिर से हमें अपनी लपेट में ले लिया। फिर याद रखो वो पहले से ज्यादा सजा के लायक ठहरेंगे जिन्होंने कादरे मुतलक के बर्रे के वसीला से अपने गुनाहों की माफी हासिल करने के बाद गुनाह के कीचड़ में फिर से दसना, दलदल में फिर से दसना पसंद किया। क्यों? क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जान बूझ कर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जान बूझ कर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही, बल्कि अदालत का हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतश बाकी है जो मुखालफों को खालेगी, जो मुखालफों को खालेगी। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही, बल्कि अदालत का हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। पलूस रसूल का लिखा हुआ अब्रानियों के नाम का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत मुबारक सफा नंबर 219 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। अगर मैंने और आपने और बनी आदम में से बहुतों ने खुदा के बेटे के वसीला से अपने गुनाहों की आसमानी बाप से माफी हासिल करने के बाद फिर से गुनाह किया और गुनाह का जहर पी लिया, तो याद रखें उसी को दूसरे बरहक का ये फैसला है कि वो अपने बर्राही के वसीला से बनी आदम की अदालत का दिन मुकर्रर कर चुका है और उसी माफी के पैगंबर के मुनसिफ आजम के बन के आने का दिन भी आ रहा है। तब जितनों ने उसके वसीला से कादरे मुतलक के हजूर से एक बार अपने गुनाहों की माफी हासिल करने के बाद गुनाह करना पसंद किया, बस अब खौफनाक, हौलनाक, हैबतनाक, दहशतनाक और गजबनाक आतश जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। नहीं भाई, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही, बल्कि अदालत का हौलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खालेगी, जो मुखालफों को। इब्रानियों 10वां बाब 26वीं और 27वीं आयत मुबारक 219 सफ़े पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है।
नहीं, मुझे गुनाहों के समेत कादरे मुतलक कबूल नहीं करता। मुझे मुझे मेरे गुनाह समेत मेरा तखलीकार कबूल नहीं करता। मैं अपने गुनाह की माफी कहां से हासिल करूं? फिर उसने खुद अपने रूह को इंसानियत का लिबास पहनाकर आदमियत की पोशाक पहनाकर जमीन पर भेजा, कहा इससे रब्ता करो तुम्हारे गुनाह की माफी तुम्हें मिल जाएगी। मैंने और आपने रब्ता किया, माफी मिल गई और हमने फिर गुनाह की कीचड़ में, गुनाह की दलदल में, गुनाह के अंधे गड़े में गिरना पसंद किया। तो फिर आखिरी अदालत का दिन ही बाकी बचा है, जो आग और गंधक से लोपरेज होगा, सोजान होगा, भट्टी की मानंद और मुखालफों को खा लेगा और शाखो बन कुछ ना छोड़ेगा। नहीं भाई, नहीं भाई, मुझे इस बात को सामने रखकर चलना है कि मुझे कादरे मतलब के बेटे के पाकीज़ा खून से सारी नाराजगी और गलाजत से माफी हासिल हो गई। अब मेरी आवाज आलमे बाला पर जाती है, मुझे जानबूझकर गुनाह नहीं करना, नहीं तो छुटकारे का, रिहाई का, मखलसी का और आजादी का और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में बेचकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। जनाबे पत्रस रसूल के लिखे हुए मुकद्दस खतूत में से दूसरा खत, उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत सफा नंबर 233 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर आप या मैं सोचे मेरे गुनाहों का अजाला हो गया, तलाफी हो गई, तबारक हो गया, मदावा हो गया, इलाज हो गया, हाल मिल गया और फिर गुनाह करूं, तो फिर याद रखिए मेरी और आपकी रिहाई किसी और तरफ से अब नहीं आने वाली, बल्कि सीधे जहन्नम की आग में गए। मैं और आप सीधे आग और गंधक की भट्टी में गए, मैं और आप सीधे उसकी अदालत में गए ताकि अबदी सजा का परवाना रसीव करें। क्यों बोला? क्योंकि खुदा इस कदर इंसाफ करने वाला है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि उनको जहन्नम में बेचकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। आप अंदाजा कीजिए मैं और आप कौन हैं? बनी आदम कौन है? आदमजात कौन है कि कादरे मतलब के कहर गजब से बचाए? नहीं भाई, हमारे और आपके खुदा को हम गुनाह समेत अच्छे नहीं लगते। खुदा के बेटे से रब्ता करके गुनाह की माफी हासिल करने की कोशिश में जुट जाइए और अगर आपने उसके बेटे के वसीला से गलाजत और हमाकत और शरारत और तमाम गंदगी से नजात और खलासी और छुटकारा हासिल कर लिया है, तो फिर दोबारा गुनाह की दलदल में, गुनाह की कीचड़ में, गुनाह के जोहड़ में, गुनाह के गड़े में मत दसिए, मत गिरिए, मत छलांग लगाइए। क्योंकि आने वाले अय्याम में वो आता है ताकि अदालत का दिन मुकर्रर करके तख्ते अजीम पर विराजमान होकर आपको और मुझे और जितनों ने उसके खून की तौहीन की उन सबको आग और गंदक की भट्टी का लुकमा नवाला कर दे। नहीं भाई, खुदा ने हमारे गुनाहों का अजाला किया और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक कर चुका है। अब मैंने और आपने दोबारा गुनाह का जहर नहीं खाना, गुनाह के दलदल में नहीं जाना, गुनाह की कीचड़ में नहीं जाना, गुनाह के गड्ढे में नहीं जाना, गुनाह के कुएं में नहीं जाना, ताकि मैं और आप अबदी हलाकत में ना डाल दिए जाएं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।